नमस्कार, मैं आपका दोस्त जेपी यादव, आपका जेके नेशनल न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की एक खास खबरें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का मुंबई के अंदर ओमजी जो कि काफी जर्जर हो गया था, दिनांक 26 जनवरी इसी मंदिर में भव्य निर्माण की शुरुआत से माजी शाखा प्रमुख रत्नाकर वाल्वे जी, स्थानिक नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी जी, ज्योति फाउंडेशन के संस्थापक दीपक कामले जी तथा मंदिर के सभी ट्रस्टी सदस्य एवं हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आइए देखते हैं कार्यक्रम का शिव। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लोग एक लड़ थोड़ा सा ऐसा आज का दिन प्रदेश का दिन नहीं है, 26 जनवरी प्रदेश का दिन जिस चीज में आई है भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आए। आगे की बात नहीं करेंगे, आज यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू होने वाला है। मुझे खुशी हो रही है क्योंकि राम मंदिर का काम चालू है, राम की सेवा हनुमान जी है, उनका मंदिर काम चालू है, हमारा जो योगदान रहे और हम लोग हनुमान के बारे में सोचते हैं, मंदिर आता है लोग चाहिए, इसके लिए लोग यहाँ पर आए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात है, उन्होंने बोला दिवस है जो बजरंग बली मंदिर का जो जीर्णोद्धार है उस काम से आए। आज कोई जातिवाद नहीं, कोई राजनीति नहीं, बस एक काम जल्द से जल्द जो अब शुरुआत हुई कंप्लीट हो कैसे हुए बारे में सोचो। तो बात ऐसी अंदर की बात ऐसा तो नहीं कि अलायंस में लड़ने वाले ये दिखाता है, देखो ये लड़ने और झगड़ने की बात करेंगे। हम लोग जय बजरंग बली के रिश्ते आ गए, ये मंदिर का 16 है वो पार करे कैसे करेंगे उस पर कुछ भी नाम टिप्पणी कर सकते। जेके नेशनल न्यूज और तमाम सहयोगी चैनल हैं, समाज की खबरें न्यूज 13 और जो है कि न्यूज जय हिंद। अभी हम इस समय खड़े हैं रातोड़ी गांव में और यहां पे आज एक मंदिर का पुनः निर्माण, पहला मंदिर था और इसका फिर से भव्य नया निर्माण होने जा रहा है। और आइए जानते हैं हम यहां के माजी शाखा प्रमुख जो थे रत्नाकर वाल्वे जी से और यहां के जो सेठ हैं ओमजी कुमार साहब से कि ये मंदिर किस तरीके से बनेगा, कैसा बनेगा और यहाँ की क्या रूपरेखा होगी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, आप बताइए कि ये मंदिर का क्या सिस्टम रहेगा और किस तरीके से इसका पुनः नवनिर्माण करेंगे। सर्वप्रथम आपले सर्वांचं अभिनंदन, या ठिकाणी आपण आलात, सबसे पहला आपका अभिनंदन करते हैं। और सवाल आप जो आपने पूछे कि यहाँ पे मंदिर कैसा निर्माण किया जाएगा, तो ये जो मंदिर जो है राठौड़ी का वो सभी गरीब जनते का पूरा ऑल इंडिया इसका राठौड़ी का है सब, ये इसका निर्माण पूरा ओमजी सेठ ने यहाँ पे अपना खुद की जगह देकर यहाँ पर अपना ये पूरा गरीब का मंदिर बनाया है, हनुमान जी का मंदिर ओमजी सेठ ने बनाया है। आज उसका पुनर्निर्माण करने जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ओमजी सेठ खुद ही कर रहा है, उसके बाद जो जिसको मन में आए गरीब के जनता को अगर भगवान के बारे में किसको मदद करना है तो ऐसा ओमजी सेठ का कहना है, तो ये हम लोग वो हिसाब से मंदिर बनने जा रहे हैं। धन्यवाद। आज का ही दिन आपने विशेष रूप से मतलब जो चुना है कि 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है, इसी दिन आपने जो दिन जो चुना है इसका मतलब? आज का दिन है, बहुत भाग्य का दिन है, इसके लिए हम लोग आज ये दिन चुने हैं कि सबको सद्बुद्धि दे भगवान कि ये मंदिर जल्दी से जल्दी खड़ा हो जाए। धन्यवाद। अभी हम जानते हैं ओमजी कुमावत जी से कि जो अभी यहाँ पे इन्होंने जगह भी अपनी दी है और मंदिर के लिए बहुत सारा सहयोग है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, मंदिर के बारे में आप कुछ बताएं। मंदिर का आज उद्घाटन हुआ है, निर्माण करने के लिए मंदिर की मूर्ति दो फुट नीचे चली गई थी, उस
उसको हम लोग दोबारा आर्किटेक्ट से प्लान बना रहे हैं, एक दो दिन में आ जाएगा, उसके हिसाब से वो निर्माण चालू करेंगे। क्या रूपरेखा रहेगी मंदिर की? रूपरेखा ऐसा रहेगी, भव्य मंदिर बनेगा, नीचे हॉल रहेगा, ऊपर मंदिर बनेगा। अंदर अभी हम लोग देखे सर कि बहुत पतला गली है यहाँ तक आने के लिए, जो मंदिर इतना बड़ा बनेगा तो रास्ता कैसा होगा यहाँ का? रास्ता तो जो है वही है, 12 फुट का रोड है। थैंक यू सर।